हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जानेंगे जिस प्रकार आप फोन पे गूगल पे इस्तेमाल करो उस प्रकार पेटीएम का भी यूज करें, क्या पेटीएम एप्लीकेशन जो होती है वो बंद हो जाएगा। आपने रिसेंटली खबर सुनी होगी कि पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने 29 फरवरी 2024 के बाद से पैसा क्रेडिट वॉलेट टॉपअप ईटीसी को रिस्ट्रिक्शन लगाया, यानी कि इसके बाद आप नहीं कर सकते हो, लेकिन इससे परे पैसे को आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में जानेंगे हम क्या पेटीएम की जो एप्लीकेशन जिसका हम यूज करते हैं पैसे लेन देन करने के लिए, क्या हमारा वो काम नहीं करेगा 29 फरवरी बाद से, और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगी इसमें हमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर आज हम डिटेल में समझने वाले। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात आपको समझना हो कि आरबीआई ने क्या एक्शन लिए पेटीएम के खिलाफ और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। आरबीआई ने यहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक को जो इसके 31 जनवरी के प्रेस रिलीज थी एक्शन लेते हुए कहा गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक पे, उसके वॉलेट पे, फास्टैग पे और एक एनसीएमसी कार्ड कुछ करके होती है उस पर पैसे को 29/2024 बाद से आप एड नहीं कर पाओगे। इसने कहीं भी नहीं कहा इन सबको हमने बंद कर दिया, बस एड नहीं कर पाओगे। कारण बस ये था कि पेटीएम बहुत सारे आरबीआई के बैंक रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर, जिसके ऊपर करे कदम उठाने पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज साफ करते कि बैंक को बंद करने की बात नहीं की गई और साथ साथ इसमें जो पड़े पैसे उसको इस्तेमाल करें कोई डेडलाइन फिक्स नहीं किया, यानी कि आपके अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में या फास्टैग में या वॉलेट में एनसीएमसी कार्ड होते हैं उनका जो पैसे पड़े उसके कोई डेडलाइन कब तक यूज हो, आपको जब तक मन तब तक, जब तक पैसा खत्म ना हो यूज कर सकते हो, बस पैसा एड नहीं कर सकते 29 फरवरी 2024 के बाद। अब बात करते हैं जो लोग पेटीएम पेमेंट बैंक को अपने दूसरे किसी बैंक को जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक को लगाकर या फिर एसबीआई को, एक्सिस को, आईसीआईसीआई को, पंजाब नेशनल को, अलग अलग बैंक को लिंक कर चलाते, क्या उनका पेटीएम एप्लीकेशन काम करना बंद कर जाएगा? तो यहाँ पे हम बता दें कि पेटीएम पेमेंट बैंक जैसे है उसी प्रकार से इनके मर्चेंट सर्विस, अलग अलग सर्विस, पेटीएम गोल्ड है, पेटीएम मनी है, अलग अलग सर्विस, ये सारे का एक ग्रुप है जो 197 कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जिसे हम OCL बोलते हैं। और इसके तहत यहाँ पे आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन किया है, इनके बाकी सर्विसेज को बैन नहीं किया है। इसी प्रकार से पेटीएम ऐप जो है ये सबको मर्ज कर चलाता है, यानी इसी के अंतर्गत पेटीएम ऐप पे आपको पेमेंट बैंक दिखेगा, आपको वहाँ पेटीएम मनी दिखेगा, आपको वहाँ पे गोल्ड दिखेगा, आपको वहाँ पे पोस्टपेड दिखेगा, अलग अलग सर्विसेज आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे किसी भी तरह से नहीं कहा कि आपकी पेटीएम बंद कर जाए, पेटीएम ऐप का एग्जिस्टिंग चलता ही रहेगा, उसमें आप यूपीआई करो, अलग बैंक से लिंक करो, उसे रेफर करो, सब काम करें, बस पेटीएम पेमेंट बैंक की जो सर्विसेज है, जो पेटीएम पेमेंट बैंक आपका बैंक अकाउंट अगर है खुला हुआ उसमें, तो जिसका नंबर 91 के साथ आपका मोबाइल नंबर होता है उसको भी रहेगा, लेकिन अगर खुली हुई है तो आप बस उसमें पैसा 29/2024 नहीं कर पाओगे। उसके परे पैसे जितने भी रुपए आप वॉलेट में हो या फिर आपके बैंक में, आप जब चाहो तब तक यूज करें, उसे कोई डेडलाइन यहाँ फिक्स नहीं किया गया है। तो आप अगर पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करते हो यूपीआई के पेमेंट लेन देन करने का, टेंशन मत लो, जैसे फोन पे अगर यूज करते हो उसी प्रकार से आप पेटीएम ऐप कंटिन्यू चलता रहेगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपके मन पर डर होगा अगर आपने पेटीएम के मर्चेंट हो और पेटीएम से यूपीआई क्यूआर लगाकर स्टिकर लगा या फिर इस प्रकार का साउंड बॉक्स आपके पास और आप डर रहे हो कि इस पेमेंट हमको इसमें लेते हैं, अब इसका क्या होगा? तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो लेके आई, आप चाहो तो सामने वीडियो देखने मिला, चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे इस मर्चेंट के साथ क्या हो सकता है कि आपका ये काम करना बंद कर जाएगा, आपके लगे पैसे वेस्ट रहेगा और आपके हर महीने रेंटर कटेंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, सामने देखने मिला, चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।